हाँ जी, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये एक टिटीरी का बच्चा है। इसकी जो माँ है वो बाहर गली में है। एक्चुअली ये उससे कहीं गिर गया था और चील, कौवे और कुत्ते इसके पास आ गए थे, तो हमने इसे अभी उठाया और एक प्लास्टिक के डब्बे में रखा है। तो ये देखो कैसे प्यार से देख रहा है ये। हाँ, इसकी माँ की आवाज़ आप सुन रहे होंगे, इधर उधर ही है वो घूम रही। अगर बस 5-10 सेकंड का फर्क रहेगा था, अगर हम उसे ना मतलब बचाने आते, ये हमने अभी पानी रखा है इसके पास, शायद पी ले। बस 5-10 सेकंड का फर्क रहेगा था अगर हम उस इसे वहां से ना उठाने जाते, तो एक कुत्ता बहुत पास आ गया था और ऊपर एक चील भी उड़ रही थी इसको खाने के लिए। क्योंकि आपको पता ही है ये छोटा बच्चा है और अभी उड़ने के काबिल नहीं है। सो अब आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे कि इसको इसकी माँ के पास छोड़ दे जाए। बिल्कुल हम वैसा ही करेंगे, लेकिन बाहर अभी खतरा है और इसकी माँ खुद बार बार उड़ रही है ऊपर। सो इस कारण अभी हमने इसको यहीं पर रखा है। तो मौका मिलते ही हम इसे पास वाले खेत में इसकी माँ के पास छोड़ आएंगे। अभी बाहर खतरा बरकरार है, इसमें जान है और ये बेचारा शायद थोड़ा सा पानी पीने की कोशिश करे, पानी पी ले थोड़ा सा। इसको थोड़ा सा वो है, इसकी माँ जो इसको ढूंढ रही है, गली में फिर रही है। आपने देख लिया होगा इसका बच्चा, वो देखिए पास में, देखिए यहाँ पर एक कुत्ता बैठा है, ये खाने को तैयार था। हम यहाँ से इस बच्चे को उठा के ले गए थे, अब इस मौका मिलते ही इस छोटे बच्चे को इसकी माँ के पास सेफ जगह खेतों में हम पहुँचा देंगे। ये इसकी माँ जो ऊपर उठ रही है और ये बच्चा, बड़ी जल्दी हम इसे खेतों में पहुंचा देंगे। देखिए फिलहाल अभी हमने इसको जो अपनी ये क्यारी है छोटी सी, जहाँ पे आम अमरूद और कई पेड़ लगे हुए हैं, आप देख पा रहे हो, यहाँ पे रखा है। क्योंकि मिट्टी से ही जुड़ के बहुत खुश होते हैं जी। ये एक टिटीरी का बच्चा है, पंजाबी में टिटीरी बोलते हैं इसको, छोटा है काफी। ये हमारी जो सोसाइटी की गली है उसमें गिरा हुआ पाया गया। तो अभी थोड़ा इसके आगे हमने पानी रखा है, शायद पीले, इसने पहले थोड़ा सा पिया था, तो जब भी मौका मिले हम इसको जरूर इसकी माँ के पास अभी छोड़ देंगे। बाहर खतरा बरकरार है, दिखने में बहुत ही सुंदर है। इसके पर दिखाते हैं हम आपको, पीछे से ऐसा बहुत कम होता है जिंदगी में कि आप टिटीरी के बच्चे को इतनी पास से देख सकें। हालांकि इसकी माँ जो घर की छत के आसपास उड़ रही है, उसको पता है कि ये इंसानों की बस्ती के बीच में है, अभी इंसानों के हाथ में है, इंसानों की देखरेख में है, लेकिन फिर भी वो खुश है इस बात से कि चलो इंसानों के पास तो है, इंसानों ने उसे सांप लिया, बजाय इसके कि कोई कुत्ता या चील इसको खा जाता, या कोई और शिकारी पक्षी इस नन्हे से बच्चे का शिकार कर लेता। हम इसको गली से उठाकर जहां पर ले आए, पहले फर्श पे रखा एक प्लास्टिक के हल्के से डिब्बे में, अब इसे जमीन पे रखा है, हल्की सी क्यारी, छोटी सी खेती बाड़ी वाली जमीन। तो ये जमीन से जुड़े होते हैं, देखो खड़ा भी हो गया अपने
पाँव में, देखो तुर भी रहा है हल्का हल्का पैदल, और अभी बैठ गया है। छोटी सी कोशिश की थी इसकी माँ, चलो इसी बात से खुश है कि बच्चा सुकुशल है और जीवित है, वरना अगर ये बाहर होता अब तक तो शिकारी पक्षी या कोई जानवर इसका शिकार कर चुके होते। बाकी देखिए भगवान की मर्जी है, जब तक किसी जीव या इंसान को जान बख्शनी होती है, जब तक श्वास लेते हैं तो तब तक जीवित रहेगा ही रहेगा। हम कौन होते हैं बचाने वाले, भगवान ने खुद ड्यूटी लाई है हमारी। बस हम आप यही आस करते हैं कि जल्दी इसको इसकी माँ के पास पहुंचा दिया जाए। आप इसकी माँ की आवाज़ सुन रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों ने ये वीडियो देखी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और आभार। जैसे हम इसको खेतों में रखेंगे, जाए इसको इसकी माँ लेके जाएगी, वो हम शॉर्ट रिकॉर्ड करने की पूरी कोशिश करेंगे। खुद ही खड़ा हो गया ये तो, थोड़ा सा पानी पीकर। बहुत प्यारा बच्चा है छोटा सा, देख पा रहे हैं सामने इसकी माँ है। खड़ो 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 रुको रुको, बच्चे के पास आ गई है, अभी बच्चे को ले जाएगी, अभी ले जाएगी बच्चे को। खड़े रहो, कुछ ना करो कुछ ना करो कुछ ना करो, वो जो आप पलटा देख रहे हो हमने खेतों में रख दिया है बच्चा, उसको उसमें से छाल मार के वो जो हरा हरा घास दिखाई दे रहा है उसमें छिप गया, और उसके माँ बाप अब नजदीक आ गए। आप आवाज तो सुन ही रहे होगे, सामने हमने खेतों में रख दिया था बच्चा, और वो रही इसकी माँ, वो रहा बच्चा छोटा सा, ये उसकी माँ है खेतों में, और ये रहा बच्चा, वो पड़ा हुआ छोटा सा ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है। सो अब हम अपना पलटा ले आ रहे हैं यहाँ से, ताकि माँ और बच्चा सुरक्षित रहें। यही हमारा प्रस्ताव भाई लोगों, भगवान खुश रखे सबको।